Okay, welcome back to class, Azad. Welcome to our channel and welcome to chemistry. Today we will discuss a very important topic of chemistry, that is physical state of matter with intermolecular forces. At the previous lecture, we have discussed two very important gases law. One is Boyle's law, another is Chandler's law. But today we will discuss that there are three states of matter: solid, liquid, and gas. जो गैस स्टेट ऑफ मैटर होता है उनके मॉलिक्यूल चूंकि एक दूसरे से बहुत दूर होते हैं, तो इसी वजह से उसमें जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होगा वो बहुत कमज़ोर होगा। इसके अलावा जो लिक्विड स्टेट ऑफ मैटर होता है उनके मॉलिक्यूल गैस के मुकाबले में करीब होते हैं, लेकिन बहुत करीब होते हैं, तो इसी वजह से उसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बहुत स्ट्रांग होगा। लेकिन इसके मतलब जो सॉलिड के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो चूंकि एक दूसरे से बहुत करीब होता है, उसमें कोई डिस्टेंस बीच में नहीं होता मॉलिक्यूलों के दरमियान, तो इसी वजह से उसमें जो IMF है, इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स, दैट इज़ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग। इसी वजह से वो सॉलिड है क्योंकि इनके मॉलिक्यूल बहुत नज़दीक है, और इसी वजह से सॉलिड के मॉलिक्यूल में कोई मोशन एबिलिटी भी नहीं है। लेकिन सॉलिड के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो कोई हरकत नहीं कर सकते। सॉलिड के मॉलिक्यूल हरकत क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि इनके मॉलिक्यूल में कोई डिस्टेंस नहीं है, कोई स्पेस नहीं है कि वो उसमें हरकत कर लें। या दूसरी बात यह है कि उसके मॉलिक्यूल बहुत नज़दीक होते हैं और इसमें जो IMF है, इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स है, वो बहुत स्ट्रांग है। बहुत स्ट्रांग इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स की वजह से सॉलिड मॉलिक्यूल्स आर सिसाइल, मतलब उसकी मॉलिक्यूल जो है दे आर मोशनलेस, उसमें हरकत करने की एबिलिटी नहीं होती। लेकिन इसके अलावा जो लिक्विड मॉलिक्यूल्स हैं उसमें IMF इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स स्ट्रांग है, लेकिन फिर भी मॉलिक्यूल जो है स्लाइडिंग मोशन करते हैं। स्लाइडिंग मोशन का मतलब है कि एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल्स के ऊपर चढ़ के स्लाइड होना, दैट इज स्लाइडिंग मोशन। लेकिन इसके अलावा जो गैसेस है उसके मॉलिक्यूल चूँकि दूसरे से बहुत दूर दूर होते हैं, तो उसमें कोई IMF, कोई इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स नहीं होता, क्योंकि इसमें जो इंटर मॉलिक्यूलर स्पेस है वो बहुत ज़्यादा है, इस वजह से इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स ना होने के बराबर है। तो इस वजह से जो गैस के मॉलिक्यूल्स है वो बहुत ज़्यादा हरकत में होते हैं। यही वजह है कि गैस स्टेट ऑफ मैटर की जो प्रॉपर्टीज़ है वो लिक्विड स्टेट ऑफ मैटर की प्रॉपर्टी से डिफरेंट है, और लिक्विड स्टेट ऑफ मैटर की जो प्रॉपर्टी है वो सॉलिड स्टेट ऑफ मैटर की प्रॉपर्टी से डिफरेंट है। क्यों डिफरेंट है? क्योंकि इसमें जो इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स है वो डिफरेंस होता है। जैसे कि आपको पता है कि गैस मॉलिक्यूल कैन एग्जर्ट अ प्रेशर, क्यों, वाई द गैसेस मॉलिक्यूल कैन एग्जर्ट अ प्रेशर, क्योंकि गैसेस जो है वो एक दूसरे से दूर है, मॉलिक्यूल उनके एक दूसरे से दूर होते हैं, वो फ्री होते हैं, तो वो फ्रीली जाके विद्वाल और विद ईच अदर कोलाइड हो सकते हैं, इसी वजह से वो प्रेशर डाल सकते हैं। लेकिन इसके बरक्स अगर आप लिक्विड ले लें या सॉलिड्स ले लें जिसमें मोशन ही नहीं है, सॉलिड में तो बिल्कुल मोशन नहीं है मॉलिक्यूलों में, लिक्विड में सिर्फ स्लाइडिंग मोशंस है, तो वो एक दूसरे से भी इतने कोलाइड नहीं होते और ना विद वॉल ऑफ कंटेनर से इतने कोलाइड होते हैं, तो इसी वजह से वो प्रेशर नहीं डाल सकते। सो ओनली गैसेस मॉलिक्यूल कैन एग्जर्ट अ प्रेशर, बट सॉलिड लिक्विड कैन नॉट एग्जर्ट अ प्रेशर। बात समझ आ रही है ना? तो ये क्यों, ऐसा क्यों है कि ओनली गैसेस कैन एग्जर्ट अ प्रेशर? दैट इज़ ड्यू टू वेरी वेरी लो इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस, बट सॉलिड लिक्विड कैन नॉट एग्जर्ट अ प्रेशर बिकॉज इट्स वेरी स्ट्रॉन्ग इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस। यही वजह है कि गैसेस स्टेट ऑफ मैटर में इफ्यूजन्स है,
गैस स्टेट ऑफ मैटर में क्या है, इफ्यूजन्स फिनोमिना है, लेकिन लिक्विड सॉलिड के स्टेट ऑफ मैटर्स में कोई इफ्यूजन्स फिनोमिना नहीं है। क्यों? क्योंकि इफ्यूजन्स के लिए देखिए ना, मैंने आपको बताया था कि इफ्यूजन्स के लिए प्रेशर का डिफरेंस ज़रूरी है, क्योंकि गैसेस मॉलिक्यूल कैन एक्सर्ट अ प्रेशर, सो उसमें प्रेशर डिफरेंस होता है, तो इसी वजह से उसमें इफ्यूजन्स होगा, मोमेंट ऑफ मॉलिक्यूल थ्रू अ स्मॉल होल दैट इज इफ्यूजन। लेकिन लिक्विड सॉलिड मॉलिक्यूल में चूंकि प्रेशर नहीं होता, लेकिन इट्स मॉलिक्यूल कैन नॉट एक्सर्ट अ प्रेशर, तो जो प्रेशर डिफरेंस नहीं है, तो इसी वजह से उसमें इफ्यूजन, हाँ डिफ्यूजन्स होगा लेकिन इफ्यूजन्स फिनोमेना नहीं होगा। इसी तरह अगर लिक्विड स्टेट ऑफ मैटर्स को हम ज़रा फोकस कर दें, तो लिक्विड स्टेट ऑफ मैटर की जो प्रॉपर्टी है, दैट इज बॉइलिंग पॉइंट, एवेपोरेशन, डिफ्यूजन, फ्रीजिंग एट्सेट्रा, ये जो फिनोमिना लिक्विड स्टेट ऑफ मैटर में होते हैं, ये उन्हीं लिक्विड स्टेट ऑफ मैटर्स के ये ज़्यादा होंगे, उस लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा, उस लिक्विड का एवेपोरेशन ज़्यादा होगा, उस लिक्विड का डिफ्यूजन जो है वो फ्रीजिंग पॉइंट ज़्यादा होगा, डिफ्यूजन्स के अलावा जिसमें एंटर मॉलिक्यूलर फोर्स ज़्यादा हो, मतलब एंटर मॉलिक्यूलर फोर्स जो है दे आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द लिक्विड स्टेट ऑफ मैटर, दे आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू evaporation of the state liquid state of matter, and they are inversely proportional to diffusion state of matter. देखिए उस लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा जिसमें एंटर मॉलिक्यूलर फोर्स ज़्यादा हो, जैसे कि सबसे ज़्यादा एंटर मॉलिक्यूलर फोर्स वाटर लिक्विड में है, दैट इज हाइड्रोजन बॉन्डिंग, यू नो, सो इसलिए इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है दैट इज 100 डिग्री। फिर जो अल्कोहल है इथेनॉल, उसमें भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग एंटर मॉलिक्यूलर फोर्स है, लेकिन उसमें थोड़ा कमज़ोर है वाटर के मुकाबले में, तो इसी वजह से उसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो वाटर से कम है, दैट इज 78 डिग्री। सो क्वेश्चन कि वाटर लिक्विड में भी एंटर मॉलिक्यूलर फोर्स हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, अल्कोहल इथेनॉल में भी एंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, फिर इनके बॉइलिंग पॉइंट में क्यों डिफरेंस है, एक 100 डिग्री है दूसरे का 78 डिग्री है, तो रीज़न इज़ कि है तो दोनों में हाइड्रोजन बॉन्डिंग, लेकिन वाटर का हाइड्रोजन बॉन्डिंग एंटर मॉलिक्यूलर फोर्स स्ट्रॉन्गर देन इथेनॉल हाइड्रोजन बॉन्डिंग एंटर मॉलिक्यूलर फोर्स। वो अगर आप देखें, मैंने पिछले लेक्चर वीडियो में आपको लोगों को बताया था कि वाटर में पर वाटर मॉलिक्यूल्स में दो हाइड्रोजन्स बॉन्डिंग है, लेकिन पर इथेनॉल मॉलिक्यूल्स में एक हाइड्रोजन्स बॉन्डिंग है, तो वाटर में स्ट्रांग हुआ एंटर मॉलिक्यूलर फोर्स दैट इज हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और इथेनॉल में वीक हुआ एंटर मॉलिक्यूलर फोर्स दैट इज हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इसी वजह से उसका बॉइलिंग पॉइंट में फ़र्क है। इसी तरह एवेपोरेशंस भी है, एवेपोरेशन हर उस लिक्विड का ज़्यादा होगा जिसमें एंटर मॉलिक्यूलर फोर्स कम हो, या दैट इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल, आई एम सॉरी, इसके साथ इनवर्स है, जिसमें एंटर मॉलिक्यूलर फोर्स ज़्यादा है उसका एवेपोरेशंस कम होगा। यही वजह है कि इथेनॉल और वाटर्स में इथेनॉल का एवेपोरेशन ज़्यादा है, वाटर का एवेपोरेशंस कम है। व्हाट इज़ एवेपोरेशन, मेरा नेक्स्ट टॉपिक आने वाला है, उसमें हम डिस्कस करेंगे एवेपोरेशंस क्या होता है, लेकिन एवेपोरेशन के साथ एंटर मॉलिक्यूलर फोर्स इनवर्स है। इसी तरह एक और प्रॉपर्टी ऑफ द स्टेट ऑफ मैटर लिक्विड है, दैट इज़ डिफ्यूजन, दैट इज़ डिफ्यूजन। तो डिफ्यूजन का मतलब है मूवमेंट्स, तो मैंने आपको अभी बताया कि जिस लिक्विड्स में एंटर मॉलिक्यूलर फोर्स स्ट्रांग होगा तो उसमें डिफ्यूजन्स कम होगी, उसकी मूवमेंट कम होगी, जिसमें एंटर मॉलिक्यूलर फोर्स वीक होगा मॉलिक्यूल्स फ्री होंगे, तो सारी बात है उसकी मूवमेंट ज़्यादा होगी डिफ्यूजन ज़्यादा होगी, तो ये भी इसके साथ क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो मतलब लिक्विड के स्टेट ऑफ मैटर्स के जो प्रॉपर्टीज़ है वो भी देखिए एंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस से इफेक्टेड हो रहे हैं। इसके अलावा जो स्टेट ऑफ मैटर सॉलिड है उसमें इतने स्ट्रांग एंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस है कि जिसकी वजह से सॉलिड के जो मॉलिक्यूल्स है वो मोशनलेस होते हैं, मतलब उसमें कोई हरकत जो है वो नहीं होती। सो दैट इज़ ऑल अबाउट कि स्टेट ऑफ मैटर्स से एंटर मॉलिक्यूलर फोर्स किस तरह रिलेट करना है। तो जो स्टेट ऑफ मैटर है वो एंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस की वजह से, डिफरेंट स्टेट ऑफ मैटर डिफरेंट फोर्सेस की वजह से, फिर अंदर जो उसके प्रॉपर्टी है वो भी एंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस की वजह से।
So that is all about physical state of matter with intermolecular forces. So thank you very much for watching this video.